अभी देखो मैं कुछ रेस नहीं दे रहा, कुछ नहीं, स्पीड देखो 34 पे ऑलरेडी, तो आप समझ ही सकते हो कितना स्टीप है ये। या मैंने एक्चुअली उसके बाइक को ठोक दिया। ओके अभी असली क्या बोलते हैं डिफिकल्टी चालू होगी क्योंकि अभी उतरना है। ओके अभी माइक लगा दिया, मैं माइक लगाना ही भूल गया। तो मैं बोल रहा था ये रोड एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है उतरना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। अभी मेरे को संभाल के, आप भी आओगे ना संभाल के चलाना, बहुत स्टीप है ये। देखो दिख रहा है आपको हेयर पिन बैंड कितने है? ये देखो स्पीड देखो 30 पे जा रहा है, 30 के ऊपर जा, 20 के 30 के ऊपर जाने मत देना बस। मैं अगर बाइक को बंद कर दूँ ना तो भी ऑटोमेटिकली चलते जाएगी नीचे, इतना स्टीप है ये। तो ज़रा संभाल के आना ठीक है, मैं अभी पूरा बता रहा हूँ आपको कैसे उतरना है। ये देखो कैसा रोड है, देखो इधर पूरा ऐसा टर्न होके जाना पड़ता है। क्या होता है कि जब हम इंजन को इंजन पे जब इन लोग रेस देते हैं ना तो वो जीरो से चालू होता है, लेकिन हम लोग का स्पीड ऑलरेडी 20-30 पे है, तो आप जब रेस दोगे ना ऐसे स्पीड में तो वो झटका देगा, एक झटका पड़ेगा आपको। अभी देखो मैं कुछ रेस नहीं दे रहा, कुछ नहीं, स्पीड देखो 34 पे ऑलरेडी, तो आप समझ ही सकते हो कितना स्टीप है ये। तो ट्राई करना 30 के ऊपर नहीं जाने ठीक है, संभाल के एकदम, घाई नहीं कुछ नहीं। देखो बाइक वाले लोग के लिए ये ईजी है क्योंकि उन लोगों के पास गियर रहता है, गियर वाले लोग आराम से करते हैं, फर्स्ट गियर में डाल के चलाओ, स्पीड ज़्यादा जाती नहीं है और बाइक स्टेबल भी रहता है। अपना क्या गियरलेस है, संभालना पड़ता है। इधर भी लिखा है देखो 30 के ऊपर 30, ये एक्चुअल अभी इधर जो लिखा ना वही फॉलो करो, ऑनेस्टली बोलो ना तो गिरोगे, गंदा गिरोगे। फर्स्ट टाइम में आई थी ना मेरे जो फटी थी ना यहाँ पे, अभी देखो 30 पे, अभी मैं रेस दूंगा तो ये झटका देगा। हाँ देखा झटका पड़ा। आदित्य को बोलना चाहिए था रुकने, एक्चुअली क्या हो गया पता है, जस्ट निकला फिर मेरे को याद आया अरे माइक तो लगाया नहीं। ये देखो स्टीप, बट व्यू भी अच्छा है। हाँ 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 क्या बात है, मैंने रेस दिया ही नहीं है बिल्कुल भी और ब्रेक मार के चल रहा हूँ। ये देखो इधर लिखा 10 का स्पीड रखो, दिख रहा है 10 का स्पीड रखने को बोल रहा है। हाँ वो रहा देते, माइक, अरे नहीं वो माइक अडेप्टर है ना वो मिल नहीं रहा था, वो लगाया नहीं था मैंने, देख मैं बोल रहा था ना वो शायद ये यही है ना। हाँ इधर पार्किंग अलाउड है फ्री, तो इधर ही आना चाहिए था ना, तब मेरे को पता नहीं था वो उधर गया, अनिरुद्ध का देखा वो उधर गया तो मैं भी सोचा उधर ही जाते हैं। हाँ अभी मैं बता दिया ना, वैसे भी रिकॉर्ड हो ही रहा है पूरा। इन लोग भी देखो आ गए यहाँ पे, ऑफिस वाले टीम आ गए। अरे बाइक बात कर रहा था फिर देखा मैं मिरर में, अरे ये तो लगाया नहीं है, इसके बिना फिर रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा ना, ऑडियो हवा आते रहेगा इसके लिए, तो जल्दी से लगा दिया उसको। चल 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 तू आगे जा ना, तेरा वीडियो निकालना है ना, आगे जा। मैं 30 के ही स्पीड पे रखा हूँ तो वही स्पीड रखना फिर ठीक है। चल देखो हाँ यहाँ पे पार्किंग, बाइक पार्किंग करके आप ऐसे भी जा सकते हो फोर्ट, ये मुझे पता नहीं था, ये अभी पता चला, यहाँ से भी है। एक्चुअली अभी आज
उस दिन के जैसे डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, मे बी बिकॉज आज मैं थोड़ा सीख गया हूँ अभी मेरे को। हाँ एक्चुअली क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तभी मेरा फर्स्ट टाइम था ना ये घाट, तभी मेरे को डर लग गया था क्योंकि स्पीड पिकअप कर रहा है, मैं जा रहा हूँ मेरे को डर टेंशन होता था बाइक स्किड ना हो गिर ना जाए, बट अभी एक्चुअली ऐसा कुछ लग नहीं रहा ये टाइम, मे बी बिकॉज फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, पता है कैसा रोड है कैसा चलाना है, तो आई गेस। सो हाँ ये जिधर रुका था ना अभी वो जगह से ही जाना, फ्री में जाने मिलेगा, ऊपर जाओगे तो ऊपर से भी जा सकते हैं एक्चुअली, पार्किंग जो जगह था ना वो तो अभी समझ में आया कि दूसरे रास्ते भी है आने जाने के, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम याद रखूँगा। वैसे भी पेपफोर्ड तो और भी बार आऊँगा ना, एक ही बार थोड़ी आऊँगा, फ्यूचर में और भी आऊँगा, मे बी और लोग के साथ आऊँगा शायद। संभाल के व्यू लेकिन भारी है, ये देखो ये कितना मस्त व्यू है ना, ओह हाँ एक्चुअली ये टाइम एक्चुअली मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा, मैं फुकट में डर रहा था कुछ, अभी ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, अरे बहुत डिफ़िकल्ट है एंड ऑल, कुछ नहीं लग रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है, शायद आदत पड़ गई, अभी पता है ना कैसा घाट है ये। अपनी सुरक्षा अपने हाथ तभी सुरक्षा रहेगी साथ, समझा उधर लिखा था, सीख गया यार मैं, फर्स्ट टाइम आया था तभी फटी थी मेरी, आज फट नहीं रही है, फोकट में डर लग रहा था मेरे को, आराम से तो उतार लिया मैंने, अभी थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा सा स्टीप बाकी है। हाँ जिनको जानना है कि बाइक का टायर अभी स्किड हुआ था क्या ये उतरने के टाइम, एक बार भी नहीं हुआ है स्किड, क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि बाइक स्किड होती है क्या ऐसे जगह पे, अभी मैं आया हूँ कुछ स्किड नहीं हुआ, आराम से उतरा मैं, यहाँ पे हो सकती है कि यहाँ शायद से मिट्टी है, लास्ट टाइम इधर हुई थी स्किड लेकिन गिरा नहीं था मैं, बस पीछे का टायर हल्का सा स्किड हो गया था, तभी एक्चुअली मैं जोश जोश में स्पीड रखा था मैंने इसके लिए, अभी क्या पता है, अभी देखा मैं कम स्पीड में ही उतार, ए झटका खाया, देखा ऐसे झटके खाती है गियरलेस, संभाल के। मैं तो बोलूँगा कि आप डबल्स ही आओ क्योंकि डबल्स में वेट ज़्यादा रहेगा तो ग्रिप ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा, मैं अकेला हूँ करके थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है मुझे। ये बहुत स्टीप है, संभाल के हो गया, उतर गए। हाँ 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 क्या व्यू है यार, उतर गए घाट, अभी कुछ नहीं, अभी नॉर्मल ऐसे ही रोड है, कुछ स्टीपनेस सब जो स्टीप था वो सब निकल गया पीछे। अच्छा हुआ बारिश नहीं हो रही है, मोटो व्लॉग करने मिल रहा है, मैं तो माइक नहीं लगा पाता था मैं। यहाँ से भी व्यू अच्छा है एक्चुअली, अच्छा व्यू है ना यहाँ से, वो फोर्ट उधर ही है वो साइड में, ओके सो हम लोग आ गए नाका पे, ये होटल है, यहाँ पे हम लोग ने अभी जस्ट लंच किया, दबा के खाया बिरयानी, और एक मिस्टेक भी हो गई मेरे से, अगर आप देख सकते हो आदित्य के जो लाइट है उसको एक्चुअली मैंने ठोक दिया। अच्छा मैं निकलूँ, हाँ ठीक है।
राइट मार के सीधा पनवेल, ठीक है ठीक है। सो या मैंने एक्चुअली उसके बाइक को ठोक दिया, तो उसका टेल लाइट टूट गया एक्चुअली। एक्चुअली हुआ क्या पता है, हम लोग के आगे एक ये था, एक गाड़ी थी उसके आगे एक ट्रक था, तो आदित्य ने राइट मारा, मतलब वो ओवरटेक करने गया, लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही था, हम लोग स्पीड में ही थे। फिर अचानक से वो स्पीड ब्रेकर आया, तो ट्रक वाले ने भी अचानक से ब्रेक मारा, वही टाइम पे आदित्य ने ब्रेक मारा, नहीं तो वो उसको ठोक देता था, और लेकिन जब तक मैं ब्रेक मारता उसको जाके ठोक दिया मैंने, तो उसका पीछे का टेल लाइट जो है टूट गया। वो कुछ बोला नहीं, बट फिर भी आई एम श्योर उसको थोड़ा तो लगा रहेगा कि उसका टेल लाइट तोड़ दिया ना मैंने। अभी जस्ट कल के परसों ही ये Q&A में पूछ रहे थे ना, बर्गमैन का ब्रेक कैसा है, तो मैंने बोला था ना बर्गमैन का ब्रेक दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेक तो है नहीं, ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक ब्रेक, टाइम पे ब्रेक नहीं आ रहा। मेरे को फुल पुल कर लेना चाहिए था, बट स्पीड बहुत ज़्यादा थी ना, अगर मैं फुल पुल कर लेता तो वो स्किड भी हो जाता था। मैं उसको बोला भाई तेरा जो भी पेमेंट होगा रिपेयरिंग का खर्चा मेरे को बोल देना, वो बोला कि नहीं नहीं भाई मत दे, चलेगा कोई बात नहीं, होता है, मैं भी टाइम पे ही ब्रेक मारा, वरना मैं आगे वाले को ठोक देता था, साला जिसके साथ आया उसी को ठोक दिया मैंने, क्या करें। वो अभी भी होटल के उधर ही है, बोला कि वो कैचअप कर लेगा, आप आगे जाओ, वैसे भी उसके पास बुलेट है, वो तो आराम से 80 पे आ जाएगा। 3100 हो गया पेट्रोल ये ऑयल चेंज करके। क्या ठोक दिया, सब ठोक रहे आज एक दूसरे को। खारघर के इधर एक्चुअली एक जगह है जो बहुत फेमस है, जिसके साथ मैं आया था, याद है ललित, वो एक्चुअली गया था यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली कुछ तो वो एयरपोर्ट बनने वाला है ना, वो वाला जगह कुछ तो बहुत अच्छा है, कभी आऊँगा ऑन द वे, अगर वैसे तो नज़दीकी है तो ऑन द वे कभी आऊँगा तो दिखाऊँगा आपको, लोकेशन बहुत अच्छा था। और अभी हो रहा है 3126, आई डोंट नो मैंने कौन से नंबर पे चालू किया था, अभी याद नहीं आ रहा है। सो आदित्य तो अपने घर चले गया, अभी कल मेरा फोटोशूट है तो मैं वो भी व्लॉग करूँगा, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे जाना है ट्रैक के लिए। बहुत सारे लोग इस ब्रिज पे रुके हैं, एक्चुअली यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, बट फोटोज़ निकालना, बट सीन ही ऐसा है तो लोग फोटोज़ निकालने के लिए रुके हैं। आज मैंने कितना किलोमीटर चलाया उसका मैं फ़ोटो निकाल के अभी स्क्रीन पे आ रहा है, तो कितना किलोमीटर चला आपको पता चल गया होगा, 2 लेवल डाउन हो गया ना, आराम से जाऊंगा अभी, कुछ टेंशन नहीं, कल जाना है फोटोशूट करने तो उसकी तैयारी करूंगा। और क्या सनसेट है भाई, क्या सनसेट है, अमेजिंग। ओके सो ये वीडियो का यही ख़त्म कर देता हूँ, वैसे भी यहाँ पे सीनरी बहुत अच्छी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम एंड स्टे सेफ। आप ये सनसेट देखते देखते इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ।